रिपोर्ट कहती है कि अभी देश में 2000 से भी कम सार्वजनिक चार्जिंग स्टेशन हैं। ऐसे में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने अपने मुंबई परिसर में इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित किया है। कंपनी के कर्मचारी अपने इलेक्ट्रिक वाहनों को इस परिसर में मुफ्त में चार्ज कर सकेंगे। रिलायंस अपने अन्य परिसरों में भी इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण कर सकती है। कर्मचारियों को अपने इलेक्ट्रिक वाहन मुफ्त में चार्ज करने के लिए जियो बीपी पल्स चार्ज मोबाइल ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग सेशन शुरू करने के लिए चार्जिंग यूनिट पर QR कोड स्कैन करना होगा। इस बीच रेटिंग एजेंसी इंक्रा ने कहा है कि देश में इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती संख्या के बीच अगले 3 से 4 वर्षों में करीब 48,000 अतिरिक्त इलेक्ट्रिक वाहन चार्जर लगाए जा सकेंगे। ऐसा 14,000 करोड़ रुपए के निवेश से किया जा सकेगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।